इधर ये स्कॉर्पियो खड़ी और ये रही थार रॉक्स। पांच पांच दरवाजों के साथ में भारतीय बाजार में थार रॉक्स लॉन्च हो गई है। ये देखो एकदम मक्खन की तरह अब ये टर्न होता है। थार कुछ इस तरीके का व्यू है भाई इसका। रोड प्रेजेंस, इधर ये स्कॉर्पियो खड़ी और ये रही थार रॉक्स। बराबर में लगा के देखते हैं किसकी लेंथ ज़्यादा है और कौन ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। एक क्लासिक आ गई। इधर देखो, इधर से देखते हैं, कुछ नहीं बस इसमें बम्पर आगे निकाल दिया बस वही। ये ज़्यादा डबल में आओ, बम्पर कटिंग लंबी है भाई। अभी अपने साथ में है महिंद्रा की तरफ से न्यूली लॉन्च थार रॉक्स, जो कि अब फाइव डोर के साथ में आ गई है। एक स्कॉर्पियो एन का ओनर किस तरीके से इसको देखेगा, फर्स्ट इंप्रेशन में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैं पिछले 6 महीने से स्कॉर्पियो एन को ओन कर रहा हूं। यदि आप अपने लिए एक बिग एसयूवी सर्च कर रहे हो, 4x4 सर्च कर रहे हो, डीजल पेट्रोल आपके माइंड में चल रहा है, तो भाई ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने थार रॉक्स की कई सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन भाई अपनी जो YouTube फैमिली, Instagram फैमिली है, वो अपने टेक्निकल SST वीडियोस का बहुत ज़्यादा वेट करती है। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST YouTube चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। भाई कलर इसमें मल्टीपल्स आ जाते हैं। अभी अपने साथ में इसका ये वाइट कलर है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हमको लग रही है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 4.428 मीटर की, विड्थ है 1.87 मीटर की, हाइट है 1.923 मीटर की। इसमें व्हील बेस 2850 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो भाई इसमें अल्टीमेट ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 226 mm का। टिपिकल स्टाइल में जो महिंद्रा देता है चाबी अपनी सभी गाड़ियों में, वही हमको यहाँ भी मिल रही है। 3 physical button है लॉक अनलॉक एंड इसके बूट को ओपन करने के लिए, और ये फिजिकल की फ्लिप वाली जो कि अपन को स्कॉर्पियो एन में मिलती है, सेम एज इट इज़। ये है रॉक्स की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, ये देखिएगा काफ़ी अल्टीमेट। सी शेप में इसमें DRL मिल जाते हैं एंड सेंटर में LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जो कि प्रोजेक्टर के साथ में है। फेंडर पर देखिएगा साइड एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड फॉग लैम्प नीचे की तरफ दिए गए हैं। पूरा सेटअप LED में है एंड ग्रिल का पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है। यहाँ पर बोनट पर महिंद्रा को मेंशन किया गया है। बोनट इसका कुछ इस तरीके का है, वही पुराना थार वाला अपन को पूरा मज़ा दे रहा है, ये देखिएगा। एंड जो फ्रंट बम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी दे दिया है कंपनी ने। फ्रंट में पार्किंग सेंसर ये देखिए लगे हुए हैं एंड यहाँ पर ये एक कैमरा दिया गया है। ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, फ्रंट बोनट कुछ इस तरीके का है। इधर ये वॉशर मिल जाते हैं एंड फ्रंट विंडशील्ड जो है कुछ इस तरीके के पैटर्न में दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। एंड फ्रंट में ये देखो रडार ये दिया गया है, क्योंकि इसमें अडास अपन को मिल जाता है एंड एक अडास अपन को यहाँ पर मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर ये कैमरा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फेंडर इसमें कुछ इस तरीके का दिया गया है। इधर ये साइटन इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में है। थार रॉक्स का 3D में बैज मिल जाता है अपन को। एंड भाई इसमें ये देखो काफ़ी बड़ा इसमें अपडेट किया गया है। 19 इंचेस के इसमें अलॉय दिए गए हैं। अलॉयज़ का पैटर्न सेगमेंट में सबसे अलग है, लेकिन मुझे पर्सनली ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। डायमंड कट अलॉयज़ हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ से भाई, टायर से ये जो हैं हल्के से बाहर हैं, मतलब इक्वल भी आप मान सकते हो, जबकि टायर थोड़ा सा बाहर होना चाहिए था, अलॉय थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था। जब अपन कहीं से निकलते हैं और ये रगड़ के निकलता है ना, तो भाई टायर तो अपना चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर स्क्रैच पड़ गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन को दुख जरूर होगा। C8 के इसमें ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, क्रॉस ड्राइव 80 टायर है एंड प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 255/60R19। ये देखिएगा फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें डुअल बेसबन सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। इधर ये हिंजेस वाले अपन को ये देखिएगा डोर में सिस्टम मिल जाता है एंड इसमें जो ये फुट स्टेप दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला है, ये देखो फेंडर भी बाहर इसमें दिया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। इधर ये देखो ड्राइवर साइड डोर, इधर ये फिजिकल की का सिस्टम मिल जाता है, ये डोर हैंडल
वॉर बीम का पैटर्न वही पुराना वाला रखा गया है। इधर ये थार की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर ये देखो बड़ा अपडेट है, 360 डिग्री कैमरा इसमें दे दिया है एंड बहुत बड़ा अपडेट है। ये देखो पैनारोमिक इसमें सनरूफ दी गई है, ये मेटल में पार्ट हो गया है, ये देखिएगा डोर हैंडल इधर ही आ गए हैं, रियर वाले फेंडर रियर वाला कुछ इस तरीके का है, क्वार्टर ग्लास का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इधर ये कैमल एंड थार 45 डिग्री पर। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई रियर में कंपनी ने मल्टी लिंक सस्पेंशन दिए हैं एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है। एक अच्छी बात और ये है इसमें अपग्रेड किया गया है, रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आ गया है, सीएट टायर कुछ इस तरीके का इसमें ग्रिप्स दी गई हैं, यही सेम मैंने स्कॉर्पियो एन में भी डलवाए हैं लेकिन वो 18 इंचेस के हैं। ये देखो क्रॉस ड्राइव रेटिंग अच्छी परफॉर्मेंस है इन टायर की, भाई नॉइस मुझे ना के बराबर लगी है इनमें एंड फ्यूल लेड इधर ये दिया गया है लेफ्ट साइड में, इसको ओपन करने के लिए अलग से बटन दिया गया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये देखिएगा थार रॉक्स की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप रियर विंडशील्ड पर, इधर ये वाइपर, ये देखो डिफॉगर दिया गया है, वॉशर इसमें कहाँ है भाई ढूंढ कर बताओ, वॉशर आई थिंक इसमें है। ठीक है एंड ये देखो टेल लाइट LED में है, सैटर्न इंडिकेटर LED में एंड ब्रेक लाइट भी LED में दी गई है। इधर ये देखो डोर हैंडल है, ये रहा इसका स्पेयर व्हील, क्रॉस ड्राइव AD को मेंशन किया गया है एंड 360 डिग्री जो कैमरा दिया गया है यहाँ पर ये प्लेस किया गया है। भाई बहुत ज़्यादा केयरफुली जब इस व्हील को निकालना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। एंड रियर बम्पर पर ये देखो पार्किंग सेंसर दो ही दिए गए हैं रियर में, इधर ये रिफ्लेक्टर है, ये देखो ये रहा इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। भाई अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आ गया है, एकदम मक्खन की तरह घूमता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आ गया है, ये देखो एकदम मक्खन की तरह अब ये टर्न होता है, बहुत अल्टीमेट। चलिए अब इसका इंटीरियर देख लेते हैं, यहाँ पर अपन को चाबी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगी एंड 90 डिग्री फ्रंट वाला तो नहीं है, 90 डिग्री लगभग 80-85 डिग्री ओपन के साथ में डोर मिलता है अपन को। यहाँ पर ये देखिएगा हार्मन कार्डन का ट्विटर, ये अपन को क्रोम में मिल रहा है, यहाँ पर ये अपन को सभी कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर नीचे की तरफ छोटा सा बोतल होल्डर दिया गया है, हार्मन कार्डन का यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, ये डोर हैंडल कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर है, ये देखिएगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसमें ड्राइवर सीट दी गई है एंड ये देखो वाइट कलर का इसमें इंटीरियर दिया गया है और ये एकदम नई है, परसों ही उतरी है ट्रक में से और ये देखो गंदी होना स्टार्ट हो गई है, ये मुझे इसका ड्रॉबैक लगा है। इधर ये देखो अपन को दो पैडल्स मिल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक वाली है, यहाँ पर अपन को कहाँ गया, इधर ये बोनेट ओपन करने के लिए दिया गया है, फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड राउंड शेप में ये देखो ये अपन को AC वेंट दिए गए हैं, इधर ये कार्बन ब्लैक है, इधर ये पियानो एंड सर्कल क्रोम में दिया गया है, स्टिचिंग वाइट कलर की दी गई है, इधर ये सॉफ्ट टच दिया गया है पूरा यहाँ पर। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये अपन को पूरा का पूरा स्कॉर्पियो एन जैसा ही मिल रहा है, इधर सेंटर में ये देखो महिंद्रा की ब्रांडिंग है, तितली मिल जाती है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड MID कंट्रोल बटन्स, इधर ये लेफ्ट साइड में अपन को वाइपर कंट्रोल लीवर दिया गया है, राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल लीवर एंड ये अपन को पियानो ब्लैक में मिल रहा है। डैशबोर्ड देखो कुछ इस तरीके का है इसका, इग्निशन को ऑन कर लेते हैं एंड इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर इसमें आ गया है और ये भाई क्या इसमें 3XO वाला इसमें मीटर दिया गया है, यार थार के लिए कुछ स्पेशल तो होना चाहिए था। एंड ये फुल्ली डिजिटल मीटर है, थार में यार सुइयों की कमी तो लगती है। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि पहले से बड़ा हो गया है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है, एप्पल कारप्ले इसमें नहीं दिया गया है, ये देखो हो सकता है आने वाले समय में अपडेट करे कंपनी। 360 डिग्री कैमरा, ये देखो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी ठीक लग रही है लेकिन सॉफ्टवेयर में और अपडेट की ज़रूरत है, इससे टाटा का फार बेटर है 360 कैमरा।
क्वालिटी ठीक है लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपन को मिल जाएंगी। इधर ये अपन को ग्रैब हैंडल, इधर ये पूरा सॉफ्टवेयर दिया गया है, इधर ये देखो महिंद्रा थार कोडाइवर साइड इंटीरियर, बॉक्सी पैटर्न में अपन को पूरे ग्लास मिल रहे हैं। ये देखो नई नवेली आई है, वाइट कर दिया इंटीरियर, धंधा हो गई होगा। ग्रैब हैंडल, इधर ये अपन को वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट, सनसेट की क्वालिटी अच्छी है। एक ग्रैब हैंडल इधर ये दिया गया है, एसी वेंट, ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में है, अब स्टोरेज बढ़ गया है इसमें। इधर अपन को दो एसी वेंट मिल जाते हैं, इधर ये एसी कंट्रोल यूनिट। यार एक चीज़ इसमें अच्छी लगी मुझे, ये देखो टेम्परेचर इसमें दिखाता है कि कितना डिग्री है। ये स्कॉर्पियो एन में नहीं है, एंड एक नंबर पे तो इसका फ़ैन चलता ही रहता है, एकदम बंद नहीं होता। इधर ये अपन को वेंटिलेशन सीट का सिस्टम मिल जाता है, बटन, पैसेंजर एयर बैग, हजार्ड लाइट, ड्राइव मोड, जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड, ये अपन को ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं इसमें। एंड यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है 65 वॉट का, यार ये चीज़ अच्छी है। ये देखो टाइप ए पोर्ट, इधर अपन को फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल रहा है, एंड ये वायरलेस चार्जिंग के साथ में आता है, ये अच्छी बात है। एंड जो गियर लीवर दिया गया है वो स्कॉर्पियो एन वाला है प्रॉपर। ये देखो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड मैनुअल ड्राइव, इधर ये अपन को थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। इधर ये अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया, ठीक है, ऑटो होल्ड, टू कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट कुछ इस तरीके का है, ये आगे हो जाता है। फ्रंट वाली सीट अपन को वेंटिलेटेड मिल रही हैं, वाइट कलर का पूरा इंटीरियर है, सॉफ्ट है पहले से काफ़ी ज़्यादा सीट, लेकिन वाइट कलर क्यों दिया ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा भाई। हाँ सेंटर पार्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बताई जा रही है सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ इसमें मिल रही है, वन टच में ये ओपन हो गई, ये देखो और जाएगी कितना पीछे, ये अल्टीमेट लिटरली सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ओपन होने वाली सनरूफ अपन को मिल रही है, यहाँ तक होती है ज़्यादातर गाड़ियों में, पर स्कॉर्पियो एन में तो इतनी ही है, उससे काफ़ी ज़्यादा है भाई। जैसे प्रॉपर सनरूफ का मज़ा चाहिए उसके लिए तो ज़बरदस्त है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम भी ठीक है, ना तो ज़्यादा फास्ट है और ना ही ज़्यादा स्लो है। ये अपन को लाइट्स मिल जाती हैं, ओके यहाँ से कर्टेन बंद होगा, कर्टेन के लिए अलग बटन दिया गया है, ठीक है। एंड भाई इसमें सनग्लास होल्डर नहीं है। अब ऑटो डिमिंग इसमें IRBN में अपन को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इधर ये पूरा रडार लगा हुआ है ड्राइवर साइड, एंड यहाँ पर भी मिरर दिया गया है, और यहाँ पर भी लाइट अपन को मिल जाती है। तो भाई कम्फर्ट की अगर बात की जाए तो नो डाउट थार में अपन को कम्फर्ट तो मिल रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस इसका केबिन लग रहा है। फ्रंट रो में जो भी मिल रहा है वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आइए चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिल रहा है। भाई इसकी सेकंड रो में जाने के लिए यहाँ पर ये अपन को दिया गया है बहुत बड़ा हैंडल कुछ इस तरीके से, और जो सेकंड वाला डोर है सेकंड रो का वो 90 डिग्री ओपन हो रहा है। इधर ये अपन को ग्रैब हैंडल मिल रहा है, इधर ये सॉफ्ट टच है पूरा, ये देखिएगा इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, और ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर इधर ये लगा हुआ है। एंड ये देखो ड्राइवर वाली सीट जो है वो मैंने काफ़ी पीछे करके रखी हुई है, एंड नी रूम भी ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर अपन को एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड टाइप सी पोर्ट यहाँ पर एक दिया गया है सेपरेट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे भाई केवल और केवल एक ही टाइप ए पोर्ट रह गया। अब तो इधर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस, और अंदर सॉफ्ट टच है, ये अच्छी बात है। एंड इधर अपन को ये आर्मरेस्ट मिल रहा है टू कप होल्डर के साथ में, दो हेडरेस्ट इसमें प्रॉपर एडजस्टेबल मिल रहे हैं, एंड थर्ड वाला एडजस्टेबल नहीं है। इधर ही अपन को लाइट मिल रही है, ग्रैब हैंडल, कोट हुक, इधर भी सेम चीज़ है, इधर की लाइट जल रही है बंद कर देते हैं, ये लो कुछ इस तरीके से। रियर सीट से अपन इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, ये देखो भाई मैगजीन होल्डर अपन को पीछे मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल इधर ये दिए गए हैं,
ये देखो, एंड पीछे भी यहाँ पर ये स्पीकर दिए गए। अगेन कंफर्ट की अगर बात की जाए तो कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ये देखो। एंड इसके ग्लास जो हैं बड़े हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है, एंड केबिन में काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी भी है। चलिए इसका टेलगेट ओपन करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिल रहा है। एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी यहाँ तक, ये देखो कंपनी ने इसका फुट स्टेप दिया है, क्योंकि ईजिली अपन पैर रख के इससे उतर सकते हैं। ये देखो थार है, गंदी अच्छी लगती है। टेलगेट ओपन करने के लिए भाई, यदि चाहो तो इसको फिजिकल की से भी ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो इधर ये डोर हैंडल एंड ग्लास इसका ऐसे ओपन हो जाएगा, एंड उसके बाद में इतना स्पेस अपन को मिल रहा है। 12 वोल्ट का पोर्ट नहीं दिखा भाई मुझे इसमें, है भी या नहीं है। अरे ये चिपक गया। इधर से ये फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, ठीक है, इधर ही अपन को हुक्स मिल रहे हैं। ये देखो कार्बन कार्डन, इसमें स्पीकर बूफर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर ये टूल किट है इसकी, ये देखो, ठीक है। एंड ये फ्लैट है पूरा का पूरा, और सीट इसमें अपन को 60-40 फोल्डेबल मिल रही हैं। तो ये कहानी है थार की, ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लास इसका खुलता है, वही पुराना टिपिकल स्टाइल में। डर लगता है यार इसका ग्लास तो। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, इसके इंजन की। इसके लिए अपन को यहाँ से इसका बोनट ओपन करना होगा, और बोनट खोलने के लिए अपन को इसके ये लॉक खोलने पड़ेंगे, एंड उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। एंड भाई इसमें कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, वही पुराना टिपिकल स्टाइल, जो कि कुछ इस तरीके से अपन को सेटअप करना होगा। थार रॉक्स दोनों इंजन के साथ में है, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो कंपनी इसमें दे रही है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। डिस्प्लेसमेंट है 1997 सीसी, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व ये इंजन है, BS6 फेज 2 वाला। इसकी मैक्सिमम पावर है 174 BHP की 5000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 380 न्यूटन मीटर का 1750 RPM से लेकर 3000 RPM तक। वहीं दूसरी ओर दूसरे इंजन की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 2184 सीसी की, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 फेज 2 वाला इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर है 150 BHP की 3750 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 330 न्यूटन मीटर का 1500 RPM से लेकर 3000 RPM तक। पेट्रोल इंजन के साथ में कंपनी अभी प्रेजेंट टाइम में एमरॉन की बैटरी ऑफर कर रही है। और ये रहा पूरा इसका इंजन का मैकेनिज्म, देख लीजिए आराम से तसल्ली से। एंड यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं करके दी है कंपनी ने, जबकि ये टॉप एंड मॉडल है। ये मुझे लग रहा है आई थिंक वाइब्रेशन वगैरह कम करने के लिए कंपनी ने इस तरीके का इसका डिज़ाइन दिया है। मैंने कार स्टार्ट कर ली है, 360 डिग्री कैमरा आ गया है, ये देखो रिवर्स में लगाया, रिवर्स वाला कैमरा आ गया। एंड इसमें फ्रंट वाला भी व्हील आ जाता है, ये देखो इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, अच्छी बात है, अच्छा व्यू आ रहा है। रियर से कुछ इस तरीके का आ रहा है, राइट लेफ्ट, अच्छा रियर वाला व्हील नहीं देख सकते अपन, फ्रंट का व्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइंस वगैरह प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती हैं, ये देखो ये। एंड एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी है, देखना ये देखो इसमें कितनी ज्यादा जंपिंग है, ये देखो रिवर्स लगाया मैंने, देखना ये देखो। स्टीयरिंग तो इसमें काफी ज्यादा मक्खन हो गया भाई, चलो बढ़िया है। ओ जंपिंग तो बहुत है भाई इसमें। रियर वाला लगाता हूँ, वैसे इंस्टेंट कैमरा अच्छे तरीके से काम करता है, ये देखो पार्किंग लगा दिया, ये इसका हो गया 360 कैमरा ऑन, रियर से लेफ्ट राइट, व्हील दिखाता है प्रॉपर कटिंग, ये देखो ठीक है। इधर का दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है भाई। और भी कोई वे है देखने का?
3D। चलो ये आ गई थार, कुछ इस तरीके का व्यू है भाई इसका। और क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी ठीक है कैमरे की, लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। ये फ्रंट वाला आ गया है, ये देखो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में, ये अच्छी बात है। चलो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी, ठीक है। रियर से देख लो भाई, साइड से, लेफ्ट राइट, ये देखो एंड ये फ्रंट का देखो, इतने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक, साइड व्यू, इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो अपन इसमें सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, 3D व्यू ये आ गया। मुझे ये वाला एंगल देखना है, मुझे रियर वाला एंगल देखना है। ये अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है भाई। ये देखो, अब अंदर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ये शो भी कर देता है डिस्प्ले में, ये और भी अच्छी बात है। टेम्परेचर दिखाता है, ये और भी अच्छी बात है। एंड फैन स्पीड भी दिखाता है इधर, ये भी अच्छी बात है। इधर एसी, मैक्स एसी, ओ ऑटोमेटिक एसी है, अपन मैक्स एसी चलाते हैं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो भाई अपन को यहाँ पर फीचर्स तो भर भर के मिल जाते हैं। ये देखो वही पूरा सिस्टम, स्कॉर्पियो एन एंड एक्सयूवी जैसा है। फ्यूल इन्फो की बात कर लेते हैं, कितना माइलेज दिखा रही है अभी, 5.6 का भाई पेट्रोल है, सही दिखा रही है। आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। महिंद्रा कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई पेट्रोल में अपन को इससे 12.4 के आसपास मिलेगा, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है। और डीजल में ये कार जो है अपन को लगभग 15 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये 4x4 में भी आती है एंड 4x2 में भी आती है, रियर व्हील ड्राइव में और डीजल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, सभी वेरिएंट्स अपन को देखने को मिल जाते हैं। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है 12,99,000 रुपये से और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस जाती है 20,49,000 रुपये तक। तो भाई ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी, ये कार कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।